Now इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट साइज एंड रेंज प्रॉपर्टी ऑफ डेटा टाइप्स। जावा के केस में प्रीवियस केस में डिस्कस किया था टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। इस पर्टिकुलर टेबल के थ्रू मैं मेंशन क्या करूंगा, डेटा टाइप ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देन रिक्वायर्ड साइज इनसाइड मेमोरी एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप। रेंज मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज के केस में दोनों ही रेंज में रिप्रेजेंट करूंगा, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज। फर्स्ट वन, सबसे पहले इनिशियली एक्सप्लेन करें अबाउट बाइट। वन मोर थिंग्स, इस सेशन में ओनली जस्ट बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स में डिस्कस करूंगा वन बाई वन ऑल डेटा टाइप्स अलोंग विद एग्जांपल्स। इस काफी इंटरेस्टिंग केस में फिर से बोल रहा हूँ, डेटा टाइप्स ऑलरेडी आपने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा, लेकिन यहाँ आपको सम स्पेशल केस शो करूंगा जो कि स्पेशली आपके लिए जावा में न्यू कॉन्सेप्ट होंगे। फर्स्ट वन, बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप की बात करें, बाइट के अंदर ओनली इंटीजर टाइप्स के नंबर स्टोर करना पॉसिबल। इट विल टेक्स वन बाइट इनसाइड मेमोरी। अगर आपने किसी वैल्यू का टाइप बाइट डिफाइन किया था, उसके इसमें रिक्वायर्ड स्पेस कितना है, लोकेट ओनली वन बाइट्स। नेक्स्ट वन मिनिमम रेंज। मिनिमम रेंज क्या होगा, -128 टू प्लस मैक्सिमम रेंज क्या है, 127। फॉर मोर क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल टाइप का डेटा टाइप है देन इसका रेंज आप कैलकुलेट कैसे करोगे, जस्ट प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में नेक्स्ट सेशन डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन रियल केस मीन्स सपोज दैट अगर आपके पास 4 bits हैं, नॉट अ बाइट, 4 bits, 4 bits के केस में अगर आपको रेंज कैलकुलेट करना, तो रेंज के रिस्पेक्ट में बात करें किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, बाइट्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के लिए 1 byte एलोकेट करो या 1000 bytes एलोकेट करो, इसमें से ऑलमोस्ट मीन्स एग्जैक्टली लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगा, ऑलवेज साइन बिट। मीन्स मैं ये नहीं बोला हूँ कि 4 bit के केस में 1 sign bit होगा, मीन्स बिट्स चाहे 4 हो 8 हो या 1000 या सिंगल बिट हो, ऑलवेज लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट को नेम दोगे एज अ साइन बिट, प्लस रेस्ट ऑफ रिमेनिंग बिट्स को आप नेम दोगे एज अ डेटा और इन्फॉर्मेशन बिट, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बिट। रीजन, जब मेमोरी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे तो जनरली वैल्यू और इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म्स में होगा, आइदर नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन आपको होता है बिट्स में कभी भी साइन रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं, लाइक अ माइनस और प्लस लाइक दैट। बिट्स के अंदर ओनली स्टोर क्या कर सकते हो, आइदर 1 or 0। इसलिए मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल पर या मेमोरी लेवल पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों ही किस फॉर्मेट में स्टोर होंगे, इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0 ओनली। अब क्वेश्चन है कि 1 और 0 के बेसिस पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि पर्टिकुलर नंबर नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप यूज करते हो 1010, लेकिन ये डेसिमल वैल्यू मीन्स इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 10। तो क्वेश्चन है कि 10 अपने आप में नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो इससे रिलेटेड मैं कई सारे रूल्स डिस्क्राइब करूंगा बेस्ड ऑन एग्जांपल्स। फर्स्ट मोस्ट केस, ये साइन बिट के केस बात करें, किसी भी बिट्स में आप स्टोर क्या करोगे, आइदर 1 or 0। अगर किसी भी साइन बिट में या किसी भी वेरिएबल के साइन बिट में अगर 0 स्टोर है, 0 का मीनिंग क्या रहेगा, जस्ट इट विल रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर। क्लियर। सेम केस में अगर साइन बिट के अंदर 1 स्टोर है, तो 1 से क्या रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव नंबर। वन मोर थिंग्स, पॉजिटिव नंबर्स मेमोरी के अंदर हमेशा डायरेक्टली स्टोर होते, लेकिन नेगेटिव नंबर किस फॉर्मेट में स्टोर होंगे, इन द फॉर्म ऑफ 2's complements, नॉट डायरेक्टली, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 2's complement। इससे रिलेटेड मैंने काफी प्रॉपर्टी मीन डेप्थ में डिस्क्राइब किया इन केस ऑफ सी लैंग्वेज, मीन चाहे वो सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या जावा, कॉन्सेप्ट सभी केस में सेम होगा। इसलिए अगर आपको डिटेल्स में प्रैक्टिस करना है इस लेवल पर, आप सी लैंग्वेज के वीडियो में, इस केस में आपके लिए सी लैंग्वेज के वीडियो रेफर करूंगा। वन मोर थिंग्स, मैं यहाँ सारे केस डेप्थ में इसलिए नहीं पढ़ा सकता हूँ, जावा के केस में आप जस्ट एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हो। सपोज दैट अगर जावा में भी आप लूप, इफ एल्स, स्विच, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इसी में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ज्यादा, तो आपके लिए एडवांस लेवल पर सीखने के लिए टाइम कब प्रोवाइड करोगे। वन मोर थिंग्स, अगर कोई भी पर्सन जावा में मूव कर रहा है, तो उस केस में वेल नोन है, मीन्स कहीं ना कहीं आप सी और सी प्लस प्लस पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब क्या है, आप फंक्शंस, एरे, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो सेम कॉन्सेप्ट के इसमें जावा में। इसलिए मैं जावा के अंदर लो लेवल के कॉन्सेप्ट डिटेल्स में डिस्क्राइब न करके डिस्क्राइब करूंगा ओनली एज प्रैक्टिकल लेवल और सम डिफरेंट केस विच इज डिफरेंट फ्रॉम सी लैंग्वेज। तो इसलिए मैं रेफर करूंगा एक बार, अगर आप सी लैंग्वेज अच्छे से प्रॉपरली कर चुके हैं, जावा के केस में आपको हाई लेवल पर सीखना पॉसिबल हो आपके लिए।
हाँ जी वन अगर साइन बिट में वन स्टोर है देन रिप्रेजेंट क्या हुआ नेगेटिव नंबर जीरो स्टोर है देन पॉजिटिव नंबर्स ठीक रिमेनिंग बिट्स क्या है डेटा बिट्स वन मोर थिंग्स अगर साइन बिट में मीन्स अगर आप माइनस फाइव स्टोर करना चाहते हो तो माइनस फाइव का जनरली देखा जाए तो बाइनरी नंबर क्या होता है 101 तो इस केस में आप डायरेक्टली क्या साइन कराओगे माइनस फाइव के केस में इस लोकेशन में 101 प्लस इसका साइन कैसा है नेगेटिव तो इस प्लेस पर क्या साइन कराओगे 1 दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट याद रखना कभी भी नेगेटिव नंबर्स के केस में वन थिंग क्लियर है कि साइन बिट वन हुआ ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि साइन बिट वन आप डायरेक्टली साइन करोगे साइन बिट वन किस फॉर्म में साइन होगा इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट मीन किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो तो ऑब्वियसली उसका साइन बिट ऑलवेज कैलकुलेट क्या हुआ ऑलवेज 1 प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट आपको पॉजिटिव नंबर्स में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं वन मोर थिंग्स जब भी डेटा या इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होगा तो मेमोरी में किस फॉर्मेट में स्टोर होगा बाइनरी फॉर्म में लेकिन जब आप आउटपुट लेवल पर डिस्प्ले कराते हो तो डिस्प्ले किस फॉर्म में होता है डेसिमल फॉर्म में तो इसके इसमें आपको टू रूल्स क्लियर होना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है देन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से परफॉर्म करोगे नॉर्मली अगर आपके पास डेसिमल नंबर के केस में टू पॉसिबल केस होंगे या तो डेसिमल नंबर पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसमें कुछ भी नहीं करना सिंपली फॉलो क्या करना डिवाइड बाई टू रूल नथिंग एल्स जो कि आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना है तो इस केस में सबसे पहले जो भी नंबर है नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कैलकुलेट क्या करेंगे अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए अप्लाई क्या करोगे डिवाइड बाय टू रूल एब्सोल्यूट वैल्यू मींस फॉर एग्जांपल नंबर क्या है माइनस फाइव तो माइनस फाइव के केस में इस केस में आप बाइनरी नंबर कैलकुलेट करोगे लेकिन बाइनरी नंबर सबसे पहले किसका कैलकुलेट होगा प्लस फाइव का क्योंकि माइनस फाइव का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है फाइव और फाइव का बाइनरी नंबर क्या आएगा 101 वन मोर थिंग्स बाइनरी नंबर आप कितने बिट्स में कैलकुलेट करोगे डिपेंड करेगा जिस वेरिएबल में आप स्टोर करने जा रहे हो उस वेरिएबल का साइज क्या है अगर उस वेरिएबल का साइज 8 बिट है तो बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में होना चाहिए 8 बिट्स में अगर उस वेरिएबल का साइज 16 बिट है तो बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में स्टोर करा हुए 16 बिट में फॉर एग्जांपल करंट केस में मैंने एज्यूम किया है इस प्लेस पर मैं माइनस फाइव स्टोर करना चाहता हूं लेकिन करंटली इसके पास अवेलेबल बिट्स कितने 4 बिट्स तो बाइनरी 5 का बाइनरी नंबर भी 4 बिट्स में कैलकुलेट करें तो रिमेनिंग बिट्स आप खुद से इंसर्ट कर लोगे जाए 0 रिमेनिंग ऑल बिट्स के इंसर्ट कराओगे जाए 0 फर्स्ट केस नेगेटिव नंबर के केस में स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करूंगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर आपके लिए इजी कॉन्सेंट्रेट उसमें कुछ भी स्पेशल करने की नीड ही नहीं होती मीन डायरेक्टली कन्वर्जन परफॉर्म करना होता है नेगेटिव नंबर्स के केस में सबसे पहले जो भी नंबर है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए डिवाइड बाय टू रूल फॉलो करके जनरेट क्या कर लो बाइनरी नंबर प्लस अगर एक्स्ट्रा बिट्स अवेलेबल है ना एक्स्ट्रा बिट्स आप इंसर्ट करा हुआ जाए 0 फर्स्ट थिंग्स दूसरा केस डिवाइड बाय टू रूल फॉलो करने का जो भी बाइनरी नंबर आया उस बाइनरी नंबर को अगेन कन्वर्ट किस फॉर्म में करोगे इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट और आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर प्लस 1 क्लियर फाइनली इस केस में डिवाइड बाय टू रूल फॉलो करने का था रिक्वायर्ड क्या फर्दर टूज कॉम्प्लीमेंट तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने से पहले जस्ट रिक्वायर्ड क्या वंस वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग 0 1 में कन्वर्ट करेंगे एंड 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे क्लियर नेक्स्ट वन दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट नॉट अ टूज देन टूज कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इसमें ऐड क्या कराएंगे 1 0 प्लस 1 इज 1 देन रिमेनिंग बिट्स एज्यूम कर सकते हो जाए 0 1 0 1 दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ माइनस 5 इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट रिप्रेजेंटेशन याद रखना डिफरेंट डिफरेंट बिट्स रिप्रेजेंटेशन की इसमें बाइनरी नंबर डिफरेंट डिफरेंट होने के चांसेस हैं मैं अभी जस्ट बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू 4 बिट रिप्रेजेंटेशन क्लियर इस लेवल के कई सारे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा ड्यूरिंग बाइट डेटा टाइप्स फाइनली जस्ट मैंने आपको क्या बोला था 5 का बाइनरी नंबर 101 था लेकिन इसमें डायरेक्टली 101 असाइन करके सबसे पहले आप इस रूल्स को फॉलो करके टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने के बाद जब नंबर आएगा तो आपका नंबर क्या है 101 डेटा बिट्स में क्या है 011 साइन बिट में क्या है 1 साइन बिट में 1 इसलिए नंबर कैसा है नेगेटिव क्लियर इस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करके आपके लिए कोई भी डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करा के मेमोरी में स्टोर करना पॉसिबल है वन मोर थिंग्स सपोज दैट इस लोकेशन का नेम क्या है वेरिएबल नेम है एक्स साइन क्या कराया था मैंने माइनस 5 देन सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू
जब भी इस केस में x का वैल्यू डिस्प्ले करा हुए तो वैल्यू किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हुआ, डेसिमल फॉर्मेट और बाइनरी फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले होता है, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन एक्स को जब आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, एक्स के अंदर डेटा किस फॉर्म में अवेलेबल है, डेसिमल फॉर्मेट में और बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट। तो इस केस में भी आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, अगेन आउटपुट के रिस्पेक्ट में, आउटपुट किस फॉर्म में एक्सपेक्टेड है, डेसिमल। तो इसलिए रिक्वायर्ड क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि अवेलेबल फॉर्मेट क्या है आपके पास, बाइनरी, और आउटपुट के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है, डेसिमल। तो इसलिए अगेन फिर से आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगेन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में भी आपके लिए टू रूल्स है, रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव और रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। अगर इस केस में साइन बिट वन है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के केस में साइन बिट क्या हुआ, जीरो, जीरो। तो इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, अगेन सिंपली रूल क्या फॉलो करना है, मल्टीप्लाई बाई टू, मीन जितने भी बिट्स हैं उन सभी बिट्स में टू दी पावर एन के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो, जो कि रूल्स आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। इस केस में फॉलो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाई टू, सिंपल केस। बट सपोज दैट साइन बिट वन है, तो साइन बिट वन है नंबर कैसा होगा, नेगेटिव, और नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके अंदर साइन बिट क्या होना चाहिए, साइन बिट इज वन। इसके बेसिस पर आप लिए आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेक्स्ट थिंग्स, अगर नेगेटिव नंबर के रिस्पेक्ट में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म करना, जैसे कि करंट केस क्या है, साइन बिट वन मीन्स नेगेटिव नंबर, इसको आउटपुट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट किस में कराना है, डेसिमल फॉर्म में। तो इस केस में आपको ऑलरेडी जस्ट प्रीवियस केस में लिखा था, ये फाइव माइनस फाइव डायरेक्टली स्टोर हुआ था टू इज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में, टू इज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में। जब आप इसको किसी भी नेगेटिव नंबर को जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, तो इस केस में रिक्वायर्ड किया हुआ था टू इज कॉम्प्लीमेंट, देन सेम प्रोसेस अगेन रिवर्स फिर से रिक्वायर्ड होगा। जब भी आप बाइनरी नंबर, नेगेटिव बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो डेसिमल कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं होगा। अगर आप 1011 के लिए डेसिमल रूल डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो इस केस में इसका मतलब क्या, वन मल्टीप्लाई बाई टू द पावर जीरो, प्लस इस बिट के लिए भी अप्लाई क्या करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाई टू द पावर वन। जीरो के केस में क्या आएगा, नथिंग बट जीरो मल्टीप्लाई बाई टू दी पावर जीरो। वन के केस में वन मल्टीप्लाई बाई टू दी पावर जीरो। इसको सॉल्व करने के बाद जब कैलकुलेट करोगे तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, इलेवन, इलेवन। जबकि स्टोर क्या कर रहा था, माइनस फाइव। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, मीन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कभी भी नेगेटिव नंबर्स के केस में डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट आउटपुट रिक्वायर्ड है, आप चाहते हैं आपके आउटपुट प्रॉपरली कंपाइलर के अकॉर्डिंग है, जेवीएम के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, देन आपको प्रॉपर रूल फॉलो करनी नीड होगी। तो इस केस में नेगेटिव नंबर्स के रिस्पेक्ट में भी जब भी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करें, तो अगेन इस केस में रिक्वायर्ड क्या होगा, टू इज कॉम्प्लीमेंट। टू इज कॉम्प्लीमेंट भी बाइनरी फॉर्मेट में ही आएगा, देन जो बाइनरी नंबर आएगा देन उसको अगेन डेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट करना पॉसिबल है, लाइक दैट। इस करंट केस में वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू में रूल मेंशन कर रहा हूं, इस केस में नेगेटिव नंबर्स के केसेस में रूल क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग टू इज कॉम्प्लीमेंट, देन टू इज कॉम्प्लीमेंट के बाद सेम प्रीवियस रूल फॉलो कर सकते हो, देन क्या रूल अप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई टू रूल। इसे मल्टीप्लाई बाई टू रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं करके कब अप्लाई होगा, आफ्टर टू इज कॉम्प्लीमेंट। जैसे करेंटली नंबर क्या था, 1011, तो इसको डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट ना करके पहले टू इज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कराओ। टू इज कॉम्प्लीमेंट क्या पहले 10100, देन इसमें एड क्या कराओगे, 1। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0। इस नंबर को आप कन्वर्ट किसमें करोगे, डेसिमल में। टू इज कॉम्प्लीमेंट के बाद रिक्वायर्ड क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय टू रूल। तो मल्टीप्लाई बाय टू रूल इसके से मल्टीप्लाई क्या हुआ, टू दी पावर 0 एंड टू दी पावर 2। फाइनली इसके से वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5। प्लस ये 5 डायरेक्टली नहीं आया, टू इज कॉम्प्लीमेंट के बाद आया साइन बिट की वजह से, 5 के साथ आप अप्लाई क्या करोगे, माइनस साइन। दिस इज द परफेक्ट वे फॉर कन्वर्टिंग एनी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स, क्लियर। इससे रिलेटेड मैं कई सारे प्रैक्टिस एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन या फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप इस टाइप रूल्स फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं, देन पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, देन आपको आगे के कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करना चाहिए। तो करंटली मैं बात कर रहा था बाइट या किसी भी डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना है, तो इस मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट करने का वे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था इन केस ऑफ फोर बिट्स,
फोर बिट्स के केसेस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या हुआ। फोर बिट के केस में फर्स्ट बिट क्या है, इस केस में साइन बिट और रिमेनिंग बिट्स क्या है, डेटा बिट। मिनिमम रेंज का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। मिनिमम रेंज नेगेटिव नंबर होगा, पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। अगर मिनिमम रेंज नेगेटिव नंबर आएगा तो 100% साइन बिट क्या रहेगा इसके लिए, वन। देन मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब रेस्ट ऑफ बिट्स में आप जीरो साइन कराओगे या मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ऑल टाइम्स जीरो। इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा, साइन बिट वन है। अगर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे मीन्स रिक्वायर्ड क्या, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा, टूज। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी सेम ही आएगा, चेक कर सकते हो आप। और किसी भी बिट का फर्स्ट बिट वन है, रिमेनिंग जीरो, देन इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, ऑलवेज सेम। सबसे पहले फर्स्ट सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, जीरो वन 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 प्लस वन, वन प्लस वन इज जीरो। वन प्लस वन इज जीरो कैसे आता है, रियल में देखा जाए तो वन प्लस वन क्या है, टू। और टू के केस में बाइनरी नंबर क्या है, वन जीरो, क्लियर। तो इस केस में एडिशन क्या आया, जीरो। और वन क्या है इस केस में, कैरी, क्लियर। तो कैरी हमेशा नेक्स्ट बिट में ऐड होगा, वन प्लस वन इज अगेन जीरो, कैरी इज वन। वन प्लस वन इज जीरो, कैरी इज वन, जीरो प्लस वन इज वन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करनी नीड ही नहीं थी, क्योंकि दोनों केस में सेम वैल्यू आफ्टर टूज कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। देन इसका डेसिमल क्या है, एट, लेकिन साइन बिट वन था इसलिए अप्लाई क्या करूं, माइनस साइन। फाइनली मिनिमम रेंज क्या है इस केस में, फोर बिट्स के केस में मिनिमम रेंज क्या आएगा, माइनस एट। ये रूल मैं केवल फोर बिट के केस में डिस्क्राइब कर रहा हूं, इस टाइप से आपके लिए किसी भी केस में अप्लाई करना पॉसिबल है। सेम एज मैक्सिमम रेंज निकालना, तो मैक्सिमम रेंज के केस में नंबर कैसा रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। मैक्सिमम रेंज हमेशा पॉजिटिव रेंज के फॉर्म में आता है, इसलिए साइन बिट आप एज्यूम कर सकते हैं जीरो। और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब मैक्सिमम टाइम्स वन अप्लाई करोगे। तो इस केस में आपको टूज कॉम्प्लीमेंट की नीड ही नहीं, इसका डेसिमल क्या आएगा, सेवन। तो इस केस में रेंज क्या है, माइनस एट टू सेवन। सेम है एक और केस अप्लाई करते हैं, फाइव बिट्स के केस में। फाइव बिट्स के केस में मिनिमम रेंज क्या हुआ, मैक्सिमम रेंज क्या। मिनिमम रेंज के लिए वन, रिमेनिंग बिट्स आर जीरो। इस केस में टूज को नंबर नेगेटिव है, साइन अप्लाई करोगे माइनस, प्लस इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, सिक्सटीन। तो फाइनली मैक्सिमम मिनिमम रेंज क्या हुआ फाइव बिट्स में, माइनस सिक्सटीन। मीन्स फाइव बिट्स में माइनस सिक्सटीन से छोटा वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, और फोर बिट्स में माइनस एट से छोटा नंबर स्टोर करना पॉसिबल नहीं हुआ। मैक्सिमम रेंज निकालना है, तो मैक्सिमम के केस में नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए साइन बिट कंसिडर करो जीरो, रिमेनिंग बिट्स आर वन। इस केस में डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, सिंपली 15। दिस इज द रूल, ठीक है। इस केस में आपको एवरी टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा था जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी अप्लाई कर सकते हो, उसका एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या रहेगा, किसी भी नंबर का रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज कैलकुलेट करने के केस में सबसे पहले चेक करोगे आप कितने बिट्स के लिए रेंज चेक कर रहे हो। मीन्स अगर बिट्स एन है, करंट केस में एन का वैल्यू क्या है, फोर, सेकंड केस में फाइव, बिट्स एन है, देन इस केस में रूल अप्लाई करोगे माइनस टू दी पावर एन माइनस वन, क्लियर। टू टू दी पावर एन माइनस वन अगेन माइनस वन। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करके आपके लिए किसी भी रेंज को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। जैसे प्रीवियस केस में याद हो, फर्स्ट केस मैंने रेंज किसके लिए निकाला था, फोर बिट्स के लिए। तो फोर बिट्स का रेंज कैलकुलेट करने के लिए फोर बिट्स के केस में एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, फोर, टू दी पावर फोर माइनस वन, टू टू दी पावर फोर माइनस वन माइनस वन। फोर माइनस वन क्या आएगा, माइनस टू दी पावर थ्री, प्लस इसको ब्रैकेट के फॉर्म में अप्लाई करोगे, इसे माइनस साइन आपको बाद में अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन टू दी पावर थ्री माइनस वन क्या आएगा, माइनस एट टू, इस प्लेस पर टू दी पावर थ्री क्या, एट, और एट माइनस वन क्या आएगा, सेवन। दिस इज द फोर बिट। सेम एज अगर एन के प्लेस पर फाइव अप्लाई करते देन क्या आएगा इस केस में, टू दी पावर फाइव माइनस वन, टू टू दी पावर फाइव माइनस वन माइनस वन। जब इसको सॉल्व करोगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस सिक्सटीन, टू सिक्सटीन माइनस वन इज फिफ्टीन। सेम एज बाइट के केस में अगर रेंज कैलकुलेट करना है, तो बाइट का साइज कितना, वन बाइट। और वन बाइट के केस में बिट्स कितने होते हैं टोटल, देयर आर एट बिट्स, एट बिट्स हैं। तो इस केस में एन के प्लेस पर क्या पुट करोगे, एट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, माइनस टू दी पावर एट माइनस वन, टू टू दी पावर एट माइनस वन माइनस वन। सॉल्व कराएंगे तो इस केस में क्या आएगा, माइनस टू दी पावर सेवन, टू
टू दी पावर सेवन माइनस वन, टू दी पावर सेवन का वैल्यू क्या आएगा 128, इसका मीनिंग क्या हुआ माइनस 128 टू 128 माइनस वन इज 127. सेम एज नेक्स्ट केस में चेक करेंगे शॉर्ट, तो शॉर्ट के केस में एन के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर सकते हो फाइनली 16. तो फाइनली इस केस में अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में राइट डाउन करना, मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में राइट करूंगा, रिमेनिंग केस में क्या आएगा माइनस टू दी पावर एन, एन मीन्स 8 बिट्स, 8 माइनस वन इज 7, तो राइट डाउन क्या करो माइनस टू दी पावर 7, देन स्पेस पर क्या आएगा माइनस प्लस टू दी पावर 7 माइनस 1 माइनस सॉरी टू दी पावर 7 माइनस 1. इस टाइप से कोई भी रेंज आपके लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल. तो रिमेनिंग केसेस में डायरेक्टली कैलकुलेशन प्रोवाइड करके प्रोवाइड क्या करूंगा दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. सेकेंड केस में डेटा टाइप क्या है सॉर्ट, सॉर्ट के केस में बात करें सॉर्ट के केस में साइज क्या है 2 बाइट प्लस रेंज क्या है इसका 2 बाइट्स में बिट्स कितने होंगे 16, तो उसका मीनिंग क्या है माइनस टू दी पावर 15, माइनस टू दी पावर 15 इज नथिंग बट इट इज इक्वेलेंट टू 32768 प्लस माइनस साइन है. क्लियर? सेम एज टू दी पावर 15 समझ में आ रहा है कैसे आ गया, टोटल 2 बाइट्स में बिट्स कितने होंगे 16 और 16 माइनस 1 क्या होगा 15, टू दी पावर 15 माइनस 1, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करते हो देन क्या आएगा फाइनली 32767. नेक्स्ट वन केयर, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है जो डेटा टाइप के एंड में एक्सप्लेन करूंगा, काफी स्पेशल केस होगा आपके लिए, इसको प्लीज स्किप मत करना. साइज क्या जावा केस में 2 बाइट, सर जावा के केस में कैरेक्टर का साइज 2 बाइट क्या है, इसका रीजन क्या है, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा, जस्ट अभी मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहा हूँ. प्लस 2 बाइट्स है तो अब आपके माइंड में सेट होना चाहिए प्रीवियस केस में साइज क्या था 2 बाइट, इसलिए रेंज क्या थी गिवन, तो इसका मतलब कैरेक्टर केस में 2 बाइट है तो रेंज कैसा होना चाहिए सेम रेंज नॉट अ ट्रू. रीजन जनरली डेटा टाइप टू फॉर्मेट्स में होते हैं साइंड और अनसाइंड, साइंड के केस में नेगेटिव नंबर भी स्टोर करना पॉसिबल होता है, पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करना पॉसिबल होता है, लेकिन कैरेक्टर की बात करें जस्ट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पज क्या रहता है सिंबल्स के बाइनरी सिंबल्स के ASCII वैल्यू और यूनिकोड वैल्यूज को स्टोर कराना, और किसी भी वेरिएबल किसी भी वैल्यू और किसी भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू किस फॉर्मेट में आता है ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर्स मीन्स अनसाइंड वैल्यू. कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हुआ अनसाइंड वैल्यू को स्टोर कराने की. फॉर एग्जाम्पल साइंड और अनसाइंड में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंड और अनसाइंड. अगेन मैं 4 बिट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आप नंबर को साइंड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो देन इस केस में साइंड फॉर्मेट में फर्स्ट बिट क्या था साइन बिट, रेस्ट ऑफ बिट्स आर डेटा बिट. लेकिन स्पेशली सेम केस में यहां रखना, अगर सेम केस में मैं वैल्यू अनसाइंड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन केस ऑफ अनसाइंड, अनसाइंड के केस में ऑलवेज सारे के सारे बिट्स क्या होंगे डेटा बिट, क्योंकि इस केस में अनसाइंड के केस में वैल्यू किस फॉर्मेट में आएगा ओनली पॉजिटिव नंबर, जब नंबर पॉजिटिव स्टोर करा तो उसके नेगेटिव नंबर स्टोर ही नहीं हो रहा तो आपको साइन बिट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन सारे बिट्स कैसे हैं डेटा बिट. लेकिन साइंड रिप्रेजेंटेशन केस में नंबर नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में, इसलिए आपको साइन बिट रिक्वायर्ड है. क्लियर? इस केस में टू केस पॉसिबल है, टू केस या तो 1 से रिप्रेजेंट होंगे या 0 से, लेकिन इस केस में ओनली एक ही केस पॉसिबल है, मीन साइन बिट में ऑलवेज क्या आएगा 0, मीन 0 आए या 1 आए सभी केस में नंबर पॉजिटिव ही कंसीडर होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट दोनों ही केस में मैंने कोई वैल्यू असाइन किया है और उसका बाइनरी नंबर क्या है समथिंग 4×1, और दोनों ही केस में अगर वैल्यू की बात करें तो किस केस में कौन सा वैल्यू होगा चेक कर दें. जस्ट फर्स्ट केस में कंसीडर क्या करूँ साइन रिप्रेजेंटेशन लिए प्रोवाइड क्या किया साइन बिट, फर्स्ट बिट क्या है साइन, रिमेनिंग क्या है डेटा बिट. जब इसको डेसिमल में चेक करोगे तो डेसिमल के केस मैंने आपको बताया था जब भी किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो पहले चेक करोगे साइन बिट क्या है, साइन बिट बना है तो ये बाइनरी टू डेसिमल डायरेक्टली होगा और आफ्टर टू इज कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर टू इज कॉम्प्लीमेंट मीन अभी नंबर क्या आपके पास 111, तो सबसे पहले जब भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत होगी, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 00, देन टू इज कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में एड किससे कराओगे 1 से, 0 प्लस 1 इज 1 000, डेसिमल वैल्यू क्या है इसका 1, साइन बिट 1 था इसलिए साइन कौन सा अप्लाई हुआ माइनस. फाइनली इस केस में वैल्यू क्या स्टोर है माइनस 1, या स्पेशली याद रखना इस फर्स्ट केस में इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट हो रहा है माइनस 1, जब सेम 4×1 आप अनसाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे
अनसाइंड के केस में जब भी आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो उस केस में आपको साइन बिट चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल पॉसिबल विदाउट एनी टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर सेम केस में कोई टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म नहीं कराता हूं तो टोटल बिट्स क्या है 111, इसका डेसिमल वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या आएगा 15, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 3 में से इस केस में कोई टूज कॉम्प्लीमेंट की नीड है क्या? नहीं। जब इसका कैलकुलेशन करो रिजल्ट क्या आएगा 15। तो सेम केस में अनसाइंड मींस सेम फोर बाइनरी बिट्स 1 से साइंड फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट हुआ था -1 और अनसाइंड फॉर्मेट में क्या रिप्रेजेंट हुआ है 15। क्लियर। सेम एज कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो कैरेक्टर का साइज क्या है आपके केस में 2 bytes, 2 bytes means 16 bits, 16 bits के केस में स्पेशली याद रखना कैरेक्टर्स के केस में ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर कराना पॉसिबल, पॉजिटिव मींस ओनली अनसाइंड। ये रिमेनिंग केसेस में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो साइंड एज वेल एज अनसाइंड। स्पेशली याद रखना नंबर्स को स्टोर करने के लिए जावा के अंदर टोटल 7 डेटा टाइप मीन्स एक्सेप्टिंग बुलियन, कैरेक्टर में भी नंबर स्टोर करना पॉसिबल है लेकिन कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में नंबर कंसीडर होगा ऑलवेज यूनिकोड वैल्यू और वी कैन से आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव नंबर, इसलिए याद रखना स्पेशली सी लैंग्वेज के केस में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर स्टोर करना पॉसिबल है लेकिन जावा के केस में कैरेक्टर्स में ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर करना पॉसिबल नॉट अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि कैरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ओनली स्टोरिंग यूनिकोड वैल्यू और आस्की वैल्यू। यूनिकोड वैल्यू जावा के किस में आस्की वैल्यू ना बोल के नेम देंगे इसको एज यूनिकोड, इसका रीजन क्या है जस्ट कैरेक्टर डेटा टाइप के किस में डिस्कस करूंगा। फाइनल इसमें स्टोर क्या ओनली पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम रेंज कैसे निकालोगे अगेन 4 bit के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ। मिनिमम रेंज निकालना तो ऑल टाइम्स क्या पुट करोगे 0, मैक्सिमम रेंज निकालना ऑल टाइम क्या पुट करोगे 1। 4 bit के केस में मिनिमम रेंज क्या है 0 और मैक्सिमम रेंज क्या है 15। सेम है 2 byte के केस में मिनिमम रेंज निकालना ऑल टाइम 0, तो मिनिमम रेंज क्या है इसका 0, मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना तो ऑल टाइम 16 टाइम पुट करोगे 1। 16 टाइम पुट करने के बाद जब डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो आपको बाइनरी इसका डेसिमल वैल्यू क्या मिलेगा 65535। स्पेशली याद रखना जावा के अंदर कैरेक्टर्स में इस रेंज का कोई भी कैरेक्टर असाइन करना पॉसिबल है, इसके मेन रीजंस में कैरेक्टर्स के केस में सेपरेटली डिस्कस करूंगा। एंड ऑफ डेटा टाइप सेशंस। नेक्स्ट वन कैरेक्टर के जस्ट बाद इंटीजर और इंट। इंट के केस में बात करें जावा के केस में इंट का साइज फिक्स्ड है ऑलवेज 4 byte, जबकि सी के अंदर कंपाइलर डिपेंडेंट था। 16 bit के केस में 2 byte और 32 bit और 64 bit के केस में 4 bytes, लेकिन जावा के केस में फिक्स्ड है चाहे कंपाइलर 16 bit यूज करो या फिर 64 bit या 32 bit, सभी केस में साइज क्या आएगा ऑलवेज 4 byte प्लस इसका रेंज क्या आएगा बिट्स। 4 byte में बिट्स कितने होंगे टोटल, 1 byte में 8 bits हैं तो 4 में कितने होंगे 32। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करो -2 to the power 32 - 1 = 31, 2 to the power 31 - 1। स्पेशली इसका रेंज याद रखना, मैं इसको कैलकुलेशन में नोट डाउन कर रहा हूं, काफी लेंथी नंबर होगा। माइनस मिनिमम रेंज, इसलिए जावा के अंदर इससे छोटा नंबर स्टोर करना इंटीजर्स के फॉर्म में पॉसिबल नहीं हुआ। सेम एज मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 21 47 48 36 47। क्लियर। नेक्स्ट वन लॉन्ग। लॉन्ग के केस में साइज फिक्स्ड है, सी के केस में लॉन्ग का साइज क्या था लॉन्ग इंट, लॉन्ग मींस लॉन्ग इंट 8 4 bytes इन केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस, लेकिन जावा के इसमें लॉन्ग को इंक्रीज किया गया है 8 bytes। व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग 8 bytes, इसका काफी लेंथी रेंज आएगा समथिंग 19 digits। आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम रेंज डिस्प्ले कराना जावा में डिस्प्ले कराना पॉसिबल है, क्योंकि सभी डेटा टाइप्स रिलेटेड प्री डिफाइंड रैपर क्लासेस अवेलेबल हैं। तो इन रैपर क्लासेस के अंदर कॉन्स्टेंट डिफाइन है मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग रैपर क्लासेस। इस प्रोग्राम का यूज करके भी किसी भी टाइप के लिए मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जावा में डिस्प्ले कराना पॉसिबल है 8। देन 8 के केस में टोटल बिट्स कितने होंगे 8 byte, 1 byte में 8 bits हैं तो 8 multiplied by 8 is 64। 64 के केस में राइट डाउन क्या करोगे -2 to the power 63 to plus 2 to the power 63 - 1। क्लियर। लेकिन यार रखने जो फॉर्मूला बताया था मैंने केवल अप्लाई किस केस में होगा ओनली इन केस ऑफ इंटीजर नंबर्स, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स।
नेक्स्ट लेवल पर इंट्रोड्यूस करना है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट के केस में बात कर रहे हैं, साइज क्या रहेगा इसका 4 बाइट, देन मिनिमम रेंज -3.4 मल्टीप्लाई बाई 10^38। और इसी को राइट डाउन करने का अदर वे यूज कर सकते हो, -3.4 E38। दोनों की मीनिंग कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन, मैक्सिमम रेंज 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10^38। नेक्स्ट वन डबल, डबल रिस्टोर्स डबल प्रिसीजन। प्रिसीजन का मीनिंग क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी नंबर है 1/3, अगर आप इसको डिवाइड कराओगे तो उस केस में डिवीजन क्या होगा? 0.3.3333 लाइक दैट। एंड सो ऑन 3। अब इस केस में डेसिमल के बाद आपको डेटा अप टू किस डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट फॉर्म में रिक्वायर्ड है। अगर आप फ्लोट टाइप का वैल्यू यूज करो, देन फ्लोट के केस में एक्यूरेट प्रिसीजन कितना मिलेगा आपको? 6। डिफॉल्ट प्रिसीजन इज 6 इन केस ऑफ फ्लोट। फ्लोट के केस में एक्यूरेट प्रिसीजन क्या मिलेगा? अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। सेम अगर आप डबल यूज कर दो, देन डबल के केस में रिजल्ट से कितने बिट्स में कैलकुलेट होंगे, सॉरी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स में कैलकुलेट होंगे? अप टू डबल, डबल ऑफ फ्लोट। फ्लोट के केस में 6 था तो डबल के केस में कितना हो जाएगा? 12। दैट वन मींस आपको किस डेसिमल प्लेसेस तक डेटा एक्यूरेट फॉर्म में रिक्वायर्ड है। अगर आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक रिक्वायर्ड है, यूज क्या करो? फ्लोट। अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस देन डबल। क्लियर? देन इस केस में रेंज क्या आएगा? साइज ऑफ डबल इज 8 बाइट इन जावा। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज -1.7 मल्टीप्लाई बाय 10^308 टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10^308। दिस इज द मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ऑफ डबल। नेक्स्ट फाइनली सबसे लास्ट केस में क्या है? बुलियन टाइप। ये बुलियन की बात करें, बुलियन टाइप का डेटा टाइप ना ही सी में था ना ही C++। जावा ने स्पेशली ये न्यू डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया है। साइज की बात करें, साइज इज JVM डिपेंडेंट और JVM स्पेसिफिक और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मीन्स बुलियन के केसेस में किसी भी बुक्स में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको कि बुलियन के केस में साइज क्या हुआ। वन मोर थिंग्स, हो सकता है किसी बुक में आपको मिल जाए साइज लिखा हुआ एज अ 1 बिट, मीन्स कंप्लीटली फॉल्स। हो सकता है किसी बुक में क्या मिले एज अ 1 बाइट, मीन्स 1 बिट होगा या 1 बाइट होगा डिपेंड करेगा JVM इम्प्लीमेंटेशन। देयरफॉर वी आर मेंशनिंग हियर नॉट अवेलेबल। स्पेशली याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लोकल बुक्स में 1 बिट या 1 बाइट प्रोवाइड किया गया है, देन उस केस में कंप्लीटली कैसा हुआ? फॉल्स। क्योंकि अगर आप जावा की ओरिजिनल बुक्स को स्टडी करोगे, सन माइक्रो सिस्टम की बुक्स, उन बुक्स में भी कहीं भी इसका साइज अवेलेबल ने क्लियरली मेंशन किया JVM इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट नॉट अवेलेबल। प्लस इस केस में जब साइज अवेलेबल नहीं तो उसका रेंज बताना पॉसिबल नॉट पॉसिबल। प्लस दूसरा केस, बुलियन को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज क्या? जस्ट कंडीशंस के रिजल्ट्स को स्टोर कराना, कंपैरिजंस के रिजल्ट्स को स्टोर कराना। कंपैरिजन और कंडीशंस के इसमें 2 रिजल्ट्स होंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो उसके इसमें रेंज अवेलेबल नहीं, लेकिन इसके लिए वैल्यूज फिक्स्ड है। बुलियन टाइप के वेरिएबल में या तो आपके लिए ट्रू स्टोर करना पॉसिबल या फॉल्स। सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू और फॉल्स कैसे रिप्रेजेंट होता था? 0 means false, non-0 means true। लेकिन जावा के केस में ऐसा कोई केस नहीं। याद रखना, बुलियन के प्लेसेस पर जहां भी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल सी में अगर आप इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं या वाइल कंडीशन यूज कर रहे हैं, इफ के केस में अगर आप 1 प्रोवाइड कर दो, 1 का मीनिंग क्या था? ट्रू। 2 प्रोवाइड करा तब भी इसका मीनिंग क्या था? ट्रू। 0 प्रोवाइड करा तब भी 0 means false। लेकिन जावा के केस में सारे केस इनवैलिड होंगे। जावा के केस में कंडीशंस के प्लेसेस पर ऑलवेज एक्सपेक्ट क्या हुआ? बुलियन टाइप ऑफ रिजल्ट्स। एक इसमें मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप। जस्ट नेक्स्ट सेशन से मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल लेवल 1 by 1 इन डिटेल्स बाइट। मीन्स इस केस में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, एक भी एग्जाम्पल इस केस में स्किप मत करना।